हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन वन औषध यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक पौधे से परिचित कराएंगे। यह पौधा है जो आप देख रहे हैं ना, इस पौधे का नाम है धतूरा, धतूरे का पौधा। जी हाँ दोस्तों, जो शिव भगवान को सबसे प्रिय है, इसका फल फूल पत्ती सभी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शिव जी को खुश करने के लिए यह वनस्पति बहुत उपयोगी है। मित्रों दोस्तों, यह धार्मिक दृष्टि से पवित्र है और पवित्र रूप से बहुत औषधीय गुणकारी भी मानी गई है। तो मित्रों, इसका प्रयोग करने से पहले आप हमारे पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम आपको धतूरे के फायदे के बारे में बतलाएंगे, किस तरह से इसका प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है। धतूरा मित्रों दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वैसे तो तीन प्रकार, चार प्रकार, कई प्रकार का धतूरा होता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में इसे मुख्य तीन प्रकार या दो प्रकार से ही जाना जाता है। एक काला धतूरा, एक सफ़ेद और एक पीले रंग का भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो मित्रों, इसमें काले धतूरा का उपयोग बहुत ही उपयोगी माना गया है। वैसे प्रयोग तो समान भाग से होता है सभी धतूरे का, और काले धतूरे के फूल हल्के बैंगनी रंग के होते हैं व डंठल काले होते हैं, इसलिए इसे काला धतूरा कहा गया है। और मित्रों, सफ़ेद धतूरे के तना जड़ पत्ती सभी सफ़ेद होता है और इसमें फूल भी सफ़ेद आते हैं, और कहीं कहीं पर पीला धतूरा भी देखने को मिल जाता है। लेकिन औषधीय गुणधर्म सभी के समान होते हैं, लेकिन दोस्तों काले धतूरे की जड़ का प्रयोग तांत्रिक रूप से भी किया जाता है। यदि रवि पुष्प योग में काले की धतूरे की जड़ लाई जाए और विधि विधान मंत्रोपचार पूजन करने के बाद यदि पुरुष अपनी कमर में बांधता है तो उसका देर तक ठहराव होगा, शीघ्र पतन, परमेच्योर इजाकुलेशन, स्वप्न दोष, धातु रोग, धातु दोष में यह काले धतूरे की जड़ कमर बांधने से ही लाभ मिलता है। मित्रों, धतूरा का प्रयोग करने से पहले आप किसी आयुर्वेदाचार्य की निगरानी में करें, सावधानी पूर्वक करें। मित्रों, आप कैसे प्रयोग करना है, मित्रों इसको हम आपको बतलाएंगे। यह काले धतूरे का तेल आप ले लें, काले धतूरे का तेल मार्केट में भी बना बनाया मिल जाता है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, यह कान में इन्फेक्शन, दर्द, मवाद आने पर धतूरे के पत्तों का रस दो बूंद डालने से ही आराम मिलता है, और धतूरे के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, धतूरे के बीज का तेल बनाया जाता है, आप आयुर्वेद की दुकान पर धतूरे के तेल को लाकर प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द, कान दर्द में बहुत कारगर है। धूप में बैठकर यदि जोड़ों के दर्द पर धतूरे के तेल की मालिश की जाए तो बहुत ही रामबाण औषधीय कार्य करता है, और दो घंटे में ही जोड़ों का दर्द छूमंतर हो जाता है। मित्रों, 100 ग्राम काले धतूरे के फलों को लेकर 200 ग्राम तिल का तेल लें और 100 ग्राम फलों को जौकूट बना लें। फिर उस तिल के तेल को एक कढ़ाई में गर्म कर लें और उसमें जौकूट किए हुए फल डाल दें। जब फल जलकर नष्ट हो जाएं तो यह तिल का तेल उतार कर छान लें। यह जोड़ों के दर्द, संधिवात, सूजन में बहुत ही लाभकारी है। दबी नसें भी खुल जाती हैं और दर्द हो वाले स्थान पर यदि मालिश करेंगे तो दर्द तुरंत छूमंतर हो जाएगा। यह आप तेल बना सकते हैं। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है, साइटिका में मददगार है। मित्रों, पुरुषों में दबी नसों में आप अपने प्राइवेट पार्ट में भी इस तेल को दुकान से लेकर धतूरे के तेल को अपने प्राइवेट पार्ट पर मालिश कर सकते हैं। अपने सामान को लंबा, मोटा, ताज़ा बनाकर लाभ ले सकते हैं, देर तक ठहरा होगा। इस तेल के प्रयोग से आप बगैर दवा खाए ही ठीक हो जाएंगे, आपका दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप मसाज करने से ही आपकी सारी इंद्रियां जो है ठीक हो जाएंगी। तो मित्रों, यह तेल आप बनाकर भी लाभ ले सकते हैं और
आप बना बनाया मार्केट भी खरीद कर लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, पुरुषों में नपुंसकता में धतूरे के फल को लेकर, धतूरे के फल के बारे में आज आपको हम बतलाएंगे कि पुरुषों में नपुंसकता को कैसे दूर किया जाए। 25 की उम्र में ही आपको अगर कमजोरी महसूस होती है तो इस तेल को लेकर आप 60 वर्षों तक संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको यह हम प्रयोग बतलाने जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मित्रों, आपको लेना है एक धतूरे का फल, और मित्रों उसमें किसी नोकदार चीज से, जैसे पेचकस हो या कोई और नोकदार सूजा वगैरह हो, तो उससे उस धतूरे के फल में करीब 20-25 छेद कर दें। फिर उस छेदों में आप पंसारी की दुकान से लौंग लाकर और उन छेदों में लौंग को घुसेड़ दें। मित्रों, फिर आप उस फल को, घुसेड़ी हुई लौंगों वाले फल को, एक गीली मिट्टी से चारों तरफ से ढक दें, लेप लगा दें। फिर मित्रों, आपको कंडे की आग जलाना है। जब आग जल जाए, धुआं रहित हो जाए, तो उस आग में इस मिट्टी लेप वाले धतूरे के फल को उस आग में मतलब मूंद दें, यानी आग ऊपर से चढ़ा दें और फल अंदर रख दें। ये फल जलने न पाए, ध्यान रहे, और जब मिट्टी काली पड़ जाए, यानी फल, ये समझ लें कि फल पक गया है, अंदर जब फल पक जाए तो उस फल को आप आग से निकाल लें। फिर आप उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मिट्टी को हटा दें और पानी से धो डालें। फिर उस फल के अंदर की लौंगों को निकाल लें। फिर उस लौंग का चूर्ण बनाकर किसी एक बंद डब्बी में रख लें। फिर यह लौंग का चूर्ण जो आप बंद डब्बी में चूर्ण बनाकर रखे हैं, इसको एक चावल के दाने के बराबर, जितना चावल का दाना होता है उतना ही चावल के दाने के बराबर उस लौंग के चूर्ण को लें और शहद मिलाकर चाटें, ऊपर से गाय का सुखोष्ण दूध पी लें। मित्रों, यह प्रयोग आप 15 दिन तक करें। इस प्रयोग से आपकी खोई हुई ताकत, नपुंसकता, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, मर्दाना कमजोरी में जबरदस्त फायदा मिलेगा। यह प्रयोग हमने आपको बतलाया है, इसको आप बनाकर यूज कर सकते हैं। मित्रों, आज हमने आपको धतूरे के फल से औषधीय प्रयोग बतलाए हैं। मित्रों, धतूरे के तेल से औषधीय प्रयोग बतलाए हैं, धतूरे के पत्तों के रस के फायदे के बारे में जानकारी दी है, और धतूरे की जड़ के बारे में भी आपको जानकारी दी है। मित्रों, इसका आप प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक बनती है, आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो मित्रों, एक लाइक अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियोस आपको मिले। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने आपको यह औषधीय प्रयोग बतलाया है। ज्ञान दर्शन वन औषध में जो भी हमें औषधीय जानकारी प्राप्त होती रहेगी, हम आपसे अपने विचार साझा करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।